तो भाई अभी अभी लोग ड्यूटी से आ रहे हैं, ये देखिए इधर भी। और भाई कैसे ड्यूटी से आ रहे हैं? तो ये देखिए इस तरह के लिखे हुए अकोमोडेशन एरिया नंबर, और ये रूम है पूरे बने हुए हैं ऊपर नीचे। खोलने हैं जब तक आपको बाहर का व्यू देखें, कितना प्यारा व्यू है। वो देखो भाई ये कपड़े धो रहा है। ओह ये भाई का रूम है, रहते हैं तीन। अभी इस समय तीन ही लोग रूम में रहते हैं, क्योंकि देखिए अलमारी है जो एक दो तीन चार, तो बेड वेड आदमी डाल देता है कभी अपने दोस्त के लिए। और काफी अच्छा रूम है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ एक कैंप में जो कि है शहर से बाहर, और ये मेरे दोस्त हैं करण भाई। कैसा है? तो करण भाई की आज छुट्टी है, तो करण भाई के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या होता है इनके कैंप में, और किस तरह का यहाँ पे कैंप है, और भाई क्या काम करते हैं, इनकी कितनी सैलरी है पूरा दिखाऊंगा। तो करण भाई ये बताइए जो सामने बना हुआ है ये क्या बना हुआ है? अकोमोडेशन है कैंप का, अकोमोडेशन ये रूम है। अच्छा आपके रूम है। ये साइकिल किसकी है भाई? ये साइकिल ये कंपनी वालों की रहती है। अच्छा जैसे आप लोग के आसपास वर्क करते थे उनका। अच्छा साइकिल खरीद लेते हैं। तो देखो भाई साइकिल की यहाँ पे पार्किंग है, और ये पूरा कैंप है। ये जो बने हुए भाई रूम है इसमें सब वर्कर लोग रहते हैं? सब वर्कर लोग रहते हैं। बहुत ही अच्छा कैंप है ये, और बहुत ही साफ सुथरा है। तो ये बताइए करण भाई ये क्या है, ये जो जिम बना हुआ है ये किसके लिए, ये जिम और ये गार्डन? ये सब हम लोग के लिए, काम वालों के लिए, खेलने के लिए। हाँ बहुत ही अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे जिम भी है और ये गार्डन है। तो ये जो कैंप में लोग रहते हैं यहाँ पे उनके लिए। अच्छा ये देखो भाई कुछ इस तरह से कैंप होते हैं। देखिए सामने कपड़े फैले हुए हैं लोगों ने धो के। तो करण भाई ये बताओ ये कैंप में बकाला काला भी है? हाँ ये सामने है बकाला, बाहर की मार्केट है जब हम अंदर आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं करण भाई के रूम में, और वहीं बैठ के बात करेंगे। और ये देखिए किस तरह से लोग हैं, बिल्डिंग है और इसमें सब रूम बने हुए हैं। तो कितनी दूर है भाई अभी आपका रूम? ये वाला बिल्डिंग है मेरा। अच्छा वाला बिल्डिंग है, और धो के डाल देते हैं। सही है ना? ये देखिए कपड़े पहलाने के लिए सब कंपनी वालों का है ना, लाइक मनी तक चलते हैं। नहीं ये जो ये है कंपनी ने दिया ये। तो भाई ये देखिए कपड़ों का स्टैंड कंपनी ने, कितना मजबूत है साइकिल। चलिए रूम पे चलते हैं। इधर से नहीं है? तो ये देखिए भाई हवा बहुत तेज चल रही है। तो ये देखो भाई कैमरे भी लगे हुए हैं चारों तरफ सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे नोट लगा नो स्मोकिंग ईटिंग फॉर ड्रिंकिंग इन दिस एरिया, यानी ये भी आप ईटिंग गुड ड्रिंकिंग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते। ऐसी वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे, लाइव कैंप कैसे होते हैं, कैसे लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, कंपनी जैसा मतलब वैसा देते हैं। हेलो पारे हाउ आर यू क्लीनिंग? ये देखिए रूम खोलने जब तक आपको बाहर का व्यू देखें, कितना प्यारा व्यू है। वो देखो भाई ये कपड़े धो रहा है। ओह ये भाई का रूम है। अरे नहीं ऐसे ही रहने दो। तो ये देखिए रूम है, एक रूम में पांच छह लोग रहते हैं। कितने लोग हैं अभी ये रूम में? अभी तो तीन लोग हैं ये रूम पे। अच्छा खाली ये पड़ा हुआ है बेटा? अच्छा खाली पड़े हुए हैं, ऊपर से लाइट पड़ती ना तो ऐसे डाल देते हैं। अच्छा तो ये क्या पर्दा किस लिए लगा हुआ है? ऐसे ही लाइट नहीं लाइट अपना अंदर लेटो। तुम्हारा बेड कौन सा है? ये वाला। तुम्हारी अलमारी कौन सी है? ये वाला। ये अलमारी है, और भाई के भगवान जी भी लगे हुए हैं जिन्हें देख के निकलते हैं। ये देखिए सब सामान है, मोबाइल का कैसा जुगाड़ करके रखा हुआ है। काफी बड़ा रूम है भाई, समझे, और सब कुछ लगा हुआ है बाकायदा। देखिए वाईफाई कंपनी का कि आपका? ये हमारा अपना है, सब लोग मिलके एसी लगा हुआ है। ये देखिए इधर एक बेड पड़ा है, सबके अलमारी ये कंपनी ने दिए? अच्छा तीन लोगों का रूम है, देखिए तीन अलमारी है, एक इधर लगी है, एक इधर, तीन ही हो गई चार, यानी चार लोगों का रूम है। तो करण भाई कुछ पियेंगे नहीं हम? चाय बनाता हूं। नहीं चाय नहीं यार। क्यों? बस कुछ नहीं। किधर हो गया मेरे पानी? एक भाई अपने ये भी है, ये भी अपने काम करते हैं। हाँ यही रहते रूम में।
उसका रूम उधर है बगल में। अच्छा, बेड यहाँ पे जो है तीन पड़े हैं डबल डबल, लेकिन यहाँ पे चार लोग रहते हैं, तीन है, अभी इस समय तीन ही लोग रूम में रहते हैं, क्योंकि देखिए अलमारी है जो एक दो तीन चार, तो बेड एड आदमी डाल देता है कभी अपने दोस्त के लिए, और काफी अच्छा रूम है। तो करण भाई ये बताओ पहले मेरे यूजर को कि आप क्या करते हो। मैं होटल में काम करता हूँ। होटल में काम करते हो, कितना टाइम हो गया आपको कतर में? यहाँ पे मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गया, अभी मुल्क गए कि नहीं? अभी जाने का प्लान है 2-4 महीने बाद, फिलहाल अभी तो इधर ही है। अच्छा, देखते हैं कितना और खींचता है। अच्छा, अभी कितना और खींचता है। तो आपका आना कैसे हुआ था? हमारा आना तो बंद करो आवाज में आ रही है। तो आपने इंडिया में भी जॉब करी थी? इंडिया में भी मैंने जॉब किया। क्या काम किया था? होटल, होटल ही में काम करता। मैनेजमेंट कुछ पढ़ाई करी थी? कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही हमारे ही उत्तराखंड में तो ऐसे ही है। चलो भाई 12 पास किया, उसके बाद होटल लाइन चलो। तो ऐसे ही अपना होटल लाइन। तो अभी जब आपको कतर आने का हुआ तो किस तरह से आप आए, मतलब क्या ऐसा किया जो कतर आए? तो इधर से तो कोई हमारा रिलेशन रहता है, तो रिलेशन के थ्रू जान पहचान हुए थे, तो उधर से बात हुआ था, तो इधर आ गई। अच्छा, रिलेशन बाकी लोग कंपनी के थ्रू भी आते हैं। कंपनी के थ्रू? अच्छा, आपको किसी ने वीजा दिया था? मेरे को किसी ने वीजा दिया था, ये ये अपने खुद नसीब है। अच्छा, आपके भाई होंगे जो रियल एस्टेट में? अच्छा, तो भाई ये बताओ तो कुछ पैसा भी लगा था कि? हाँ लगा था अपना, टिकट का इन चीजों का तो पैसा सब टिकट टिकट का 40-50 हजार लग गया होगा तैयारी में, पूरा तैयारी। अच्छा ये बताओ तो वहाँ से जब आए थे तो इंटरव्यू वहीं हुआ था कि यहाँ हुआ था? इंटरव्यू तो मेरा तब तो कोरोना का टाइम था, तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, कोई सेफ ने लिया था। अच्छा, अरबी ने? शिप ने? सेफ ने लिया था। अच्छा, तो क्या पूछा था उसने? ऐसी हाइजीन वगैरह पूछा था, बाकी होटल के होटल से रिलेटेड सारी चीजें। तो आप होटल में क्या करते हो, वेटर हो कि? किचन में। किचन में क्या बनाते हो? अभी तो इधर आके अरबी फूड भी सीख गया थोड़ा। नहीं वैसे क्या बनाते हैं आप? इधर का अरबी है, कॉन्टिनेंटल है, बाकी इंडियन का तो पहले से इंडियन। अच्छा, लोग को आता ही है खाना। तो 2 साल पहले जब आप आए हैं तो क्या मतलब कंपनी ने आपको क्या बताया था, कितनी छुट्टी है, कितने पैसे सैलरी है, कितना सैलरी के लिए आपका एग्रीमेंट हुआ था? जब मैं 2 साल पहले आया था तो तब ये कंपनी ने 5 साल का था मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद सर्टिफिकेट दिया था, उसी में लिखा था कि महीने का 3-4 छुट्टी है जो सब चार छुट्टी महीने के नॉर्मल, और क्या है सब उसी में लिखा। कितना सैलरी इधर के? 1500 रियाल था। अच्छा, खाना पीना उसमें था कि अलग था? खाना पीना सब उसी में, रूम वगैरह सब उसी में है। नहीं ठीक है, रूम ये कंपनी का क्या है? ये सारा कंपनी का है रूम। रूम कंपनी का है, रूम का तो रेंट नहीं देना नहीं पड़ता है। रूम का रेंट नहीं देना पड़ता है। खाने का? खाने का भी उधर ही से, होटल से। कंपनी का है? कंपनी। खाना भी कंपनी का, रूम भी कंपनी, और आने जाने का ट्रांसपोर्ट सब कंपनी का? सब कंपनी का। 1500 सैलरी है, सब कंपनी का है, सब कंपनी। कोई भी खर्चा नहीं है, बस अपना खर्चा पर्सनल करो। जैसे इंटरनेट लगाई तो आप लोग ने अपना लगाया? ये अपना है। तो इसके लिए आप लोग को पे करते हैं? इसके लिए हम पे करते हैं। कितना आ जाता है महीने में? महीने का 30 रियाल पे करते हैं एक आदमी का। एक आदमी का। अच्छा, तो भाई ये बताओ 1500 सैलरी है तो यहाँ पे कुछ ओवर टाइम भी काम हो जाता है आपका? इधर से करने वाले करते हैं ओवर टाइम, बाकी आप? मैं तो नहीं करता हूँ, इतना टाइम ही नहीं देता है, ड्यूटी भी थोड़ा लंबा पड़ता है। अच्छा, आपका ड्यूटी लंबा है, आने जाने में टाइम लग जाता है? कितने बजे स्टार्ट होता है और कितने घंटे का ड्यूटी होता है? मेरा इधर कतर के हिसाब से तो 2:30 बजे स्टार्ट होता है ड्यूटी, और 10 बजे तक, 10:30 बजे लास्ट क्लोजिंग है। अच्छा, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं देते, उसके बाद 12 बज जाता है रूम आने जाने तक, थोड़ा ट्रेवलिंग लंबा है। यानी 10-11 घंटे हो जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है आपकी, और 10-11 घंटा हो जाता है। अभी जब आप आए थे 1500 सैलरी थी, अभी कितनी सैलरी है? अभी हो गया मेरा लास्ट टाइम पे मैंने ऑफिस जाके बात किया था, तो उन लोगों ने 100 रियाल और ऐड किया उसमें, और बाकी ठीक है, कम ही समझ। कितना सैलरी आप बचा लेते हो टोटल? टोटल एक नॉर्मली खर्चा निकाल के 30-35 हजार आराम से अपना इंडिया के हिसाब से बच जाते हैं। 30-35 हजार इंडिया का बचा रहे हो यहाँ अच्छे से लाइफ जी के? इधर अच्छे से लाइफ जी के। जो टिकट जो है वो कंपनी देगी आपको? अभी कंपनी देगी, वैसे मैं जब भी जाऊंगा तो सब कंपनी देगी मेरे को टिकट भी। अच्छा, और वो बोनस वोनस सब मिलेगा? वो कंपनी का रहता है। अच्छा, तो कितने दिन की छुट्टी है भाई 2 साल में? 2 साल में 3 महीने की छुट्टी जा सकती है। अच्छा, 3 महीने तक जा सकते हैं, बाकी आप पहले आ जाओ तो अलग बात है। वो अलग बात है, 3 महीने 4-5 महीने इतना हो सकता है, उसके बाद आधे दिन होती ना हर 6 महीने बाद। अच्छा, तो ऐसा सीन है। जब शुरू में आए थे तो अच्छा लग रहा था आपको? शुरू में तो इधर थोड़ा खाने का टेस्ट ही नहीं आया था, फिर इंडिया में मसाले खाते हैं, इधर का एकदम टेस्ट चेंज हो गया। फिर उसके बाद? तो फिर पहले तो डाउट हुआ, जैसे बीफ नहीं खाते, गाय भैंस का मीट, तो
कुछ भी मीट आता था तो उसको एकदम से खाता नहीं था। अच्छा, फिर आदत बन गई। अभी तो मीट सब चीज छोड़ दिया फिलहाल। क्या चिकन विकन खा रहा? अभी सब चीज छोड़ दिया। क्यों? नॉन वेज, अभी ओनली वेजिटेबल। क्यों? इसका रीजन ऐसी थोड़ा हेल्थ वगैरह सही रहता है, इसका रीजन यही है। अच्छा, नहीं है, वैसे प्रोटीन जो होता है लेकिन आपकी मर्जी है, क्योंकि मर्जी है, बट इतना गोश्त में नहीं होता प्रोटीन जितना वेजिटेबल में ज्यादा हो। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोटीन जो है, जितने भी एथलीट हैं जिम वाले हैं, वो प्रोटीन के लिए गोश्त में ही प्रोटीन होता है। नहीं इतना तो नहीं, चिकन में आप देखो आपको, नहीं नहीं आपको पता नहीं, सब्जी आप जब 10 किलो खाओगे तब उतना मिलेगा, गोश्त में उतने कम में। ये सब तो मैं नहीं हाँ, सुना। आप देखना, रिसर्च करना, ये मेरा वो बता रहा है। हाँ, होता होगा ऐसा। हाँ, प्रोटीन है चिकन में, प्रोटीन है चिकन अंडा ये सब लोग क्यों खाते हैं, प्रोटीन होता है। तो भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप ये बताओ कि आपको नए लोग आना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हो, और दूसरी बात, अभी क्या कतर में जॉब है कि अभी जॉब नहीं है? सबसे पहले सबको नमस्कार, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। अच्छा, इधर अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब किए कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि कैसी कतर की लाइफ है। अच्छा है, इंजॉय है। पहले कहीं भी मन नहीं लगता है। अगर अभी तो इधर बहुत कम जॉब है, बिकॉज क्योंकि पहले जो विश्व वर्ल्ड कप था तब वो टाइम पे बहुत जॉब थी, वो टाइम पे हम भी आए थे इधर। अभी तो थोड़ा जॉब का भी प्रॉब्लम है इधर जी, तो अभी सैलरी का बहुत इशूज है इधर, क्योंकि श्रीलंका इन जगह से लोग बहुत सस्ते में आ जाते, तो इसके लिए थोड़ा इंडिया का वाट लगा पड़ा है अभी। जॉब काम है, इतना मिलता नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं कर रहे हैं, अभी जॉब कम है। जॉब लेकिन फिर भी यहाँ पे 30-35 हजार अगर आदमी को सुकून से बच रहा है तो बहुत आराम से। अच्छा, कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा नहीं है, ये पूरा सेविंग में जा रहा है बहुत। बट इधर सेफ्टी भी बहुत है कतर की बात करें। अच्छा, हाँ। बहुत कुछ, मतलब ऐसे कुछ हो नहीं सकता आदमी को, कहीं भी चले जाए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, रात को अगर आप ड्यूटी से आ रहे हैं कुछ भी, तो कुछ भी हो सकता है, चोरी वगैरह पकड़ लेते हैं। इधर ऐसा नहीं है, अपना सेफ्टी। अच्छा, चलो ठीक है। तो भाई एक बात और बता दे, भाई के साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रैंक भी किया है। हाँ। और भाई को कहीं लेके जा रहे थे तो हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, इनका रूम दिखाते, फिर इनको लेके आते। प्रैंक किया था तो भाई डर बहुत गए थे। तो भाई अभी मैंने भाई से आपकी बात कराई, और ये अपने इंडिया के भाई हैं, तो आपको रूम भी दिखाया, पूरा दिखाया। तो इसमें ये जो लॉन्ड्री है, ये आप लोग अपना पैसे का धोते हैं? नहीं, इधर कंपनी ने दिया। सब कंपनी, लॉन्ड्री भी कंपनी है, सब लॉन्ड्री भी कंपनी, लॉन्ड्री भी कंपनी, रहना भी कंपनी का, खाना भी कंपनी का, रूम भी कंपनी का, और जगह भी बहुत अच्छी भाई, खेलने के लिए जगह है और साफ सुथरा एरिया। तो हमको बाहर तक छोड़ दो यार। भाई बहुत अच्छा लगा आपका ये रूम देख के। और दोस्तों तो अभी हम आ गए बाहर, बाहर से कुछ ऐसा व्यू है जैसा कि आप ये देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो अभी हम जाएंगे भाई, और आपका रूम देखा बहुत अच्छा लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ये सुन के अच्छा सा साफ सफाई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके साफ सफाई भी बहुत है, यहाँ पे पूरा ये साफ सुथरा है। तो ये कौन करता है, मतलब कंपनी के लोग या अपने अपना आगे? ये बिल्डिंग जिनका भी बिल्डिंग होगा तो ये लोग तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।